गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास है वो रही है स्ट्रक्चर ऑफ राइनिया के बारे में। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो राइनिया है वो किस ऑर्डर के अंतर्गत आता है, क्या उसकी क्लास है, क्या उसकी डिवीजन है, सारा कुछ सिस्टमेटिक पोजिशन में पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था ऑक्यूरेंस कि राइनिया जो है वो कहाँ पाया जाता है और राइनिया का नाम राइनिया क्यों पड़ा, ठीक है, क्यों पड़ा था, क्योंकि वो कनाडा के स्कॉटलैंड के राइन एक जगह का नाम है, वहाँ पाया जाता था सबसे पहले, वहाँ देखा गया तो उसका नाम क्या पड़ गया, राइनिया। यदि हम इसके डिवीज़न की बात करें तो क्या है डिवीज़न इसका, टेरिडोफाइटा, ठीक है। यदि हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर था इसका साइनोफाइटेज, ठीक है। यदि हम इसकी क्लास की बात करें तो वो थी आपकी साइनोफाइटेसी, ठीक है। यदि हम इसके फैमिली की बात करें तो वो थी आपकी राइनिएसी, और राइनिएसी के अंतर्गत ये जो जीनस है राइनिया वो आता था, ठीक। ये थी इसके सिस्टमेटिक पोजिशन। ऑक्यूरेंस मैंने बताया कि ये स्कॉटलैंड के जिले में पाया जाता था, जगह पे पाया जाता है राइनी नामक जगह पर, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, राइनिया। दूसरा इसका पानी का जो स्थान है कहाँ पाया जाता था, दलदली भूमि में, और जहाँ पे ज्वालामुखी जो है वो जो पाए जाते थे वहाँ इसकी उत्पत्ति में आई, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, जीवाश्म है, तो ये जो है ज्वालामुखी वाले स्थानों पर और जहाँ पे क्या होती थी, दलदली भूमि होती थी, ठीक है। और ये दलदली भूमि क्या करती थी, जो मृदा में है उसको नम बनाए रखती थी, मॉइस्चर उसमें रहता था, ठीक। तो ये था इसका ऑक्यूरेंस एंड सिस्टमेटिक पोजिशन। आज हमें पढ़ना है इसका स्ट्रक्चर, ठीक। इसका ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है राइनिया की, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि इसकी बाह्य संरचना के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जो राइनिया है वो बाहर से देखने पर हमें किस प्रकार का जो है वो दिखाई देता है, ठीक। यदि हम इसकी बाह्य स्ट्रक्चर की बात करें या फिर बाह्य आकार की बात करें तो राइनिया के पौधे स्पोरोफाइट थे, राइनिया मेजर राइनिया वोने वॉगनाई की अपेक्षा बड़ा था, जिसकी लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर थी। तो जो राइनिया मेजर है उससे बड़ा क्या था, राइनिया वॉगनाई, ठीक है। जो कितना राइनिया वॉगनाई जो था, राइनिया वॉगनाई जो था उसकी लंबाई कितनी थी, 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर अधिक, ठीक। तो वायवीय शाखाओं एरियल ब्रांचेस का व्यास 1 से 6 मिलीमीटर था, राइनिया वोने वॉगनाई की ऊंचाई लगभग 20 मिलीमीटर तथा व्यास 1 से 3 मिलीमीटर था, ठीक है। मैंने बताया था कि जो राइनिया है उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या पाई जाती थी, एरियल ब्रांचेस मतलब वायवीय शाखाएं जो है उपस्थित रहती थी, इनकी लंबाई कितनी बताई हो रही, राइनिया वॉगनाई में 1 से 3 मिलीमीटर, ठीक है, लंबी इन ब्रांचेस की लंबाई, वायवीय शाखाओं की लंबाई बताई है। राइनिया की दोनों जातियों में डाइकोटोमसली ब्रांच राइजोम थे जिन पर जड़ें नहीं पाई जाती थी। देखो ये जो राइजोइड्स हैं इस पर ये राइजोम ही पाए जा रहे हैं, जबकि जड़ें जो है वो अनुपस्थित हैं, जड़ें नहीं पाई जाती थी, ठीक। अर्थात जड़ों के स्थान पर राइजोइड्स उपस्थित थे, जड़ों के स्थान पर क्या पाए जा रहे हैं, राइजोइड्स। देखो यहाँ जड़ें पाई जाती हैं, नॉर्मल ब्रांच तो होते हैं लेकिन इनमें क्या पाया जा रहा है, राइजोइड्स, ठीक है। तो जड़ों के स्थान पर क्या पाया जाता है, इनमें राइजोइड्स पाया जा रहा था। राइजोम से सीधी वायवीय एरियल ब्रांचेस निकली थी जो डाइकोटोमसली ब्रांच थी तथा इन शाखाओं पर पत्तियां अनुपस्थित थी। देखिए जो राइजोम है इससे सीधी ये डाइकोटोमसली दूसरी शाखा जिनको हम बोल सकते हैं, देखो ये निकल गया, ये निकल गया, एक बांस निकल गया, और ये इनमें क्या थी, पत्तियां जो थी, लीव्स जो थी वो अनुपस्थित थी। लीव्स कहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, ठीक। इन शाखाओं के अग्रस्त सिरों पर छोटे नाशपाती के आकार के स्पोरेंजिया विकसित होते थे
जिनका परिमाण 12 मिलीमीटर लंबाई तथा 4 मिलीमीटर चौड़ाई थी। देखिए ये जो है वो क्या है, स्पोरेंजिया है, उनकी लंबाई 12 मिलीमीटर तथा जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, 4 मिलीमीटर थी। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, जिनका परिमाण 12 मिलीमीटर तथा 4 मिलीमीटर चौड़ाई थी, राइनिया मेजर तथा राइनिया गोने वागनाई की एरियल ब्रांचेस प्रकाश संश्लेषण करती थी। जो इनकी एरियल ब्रांचेस हैं वो क्या करती थी, फोटोसिंथेसिस का कार्य जो है वो करती थी। राइनिया मेजर की वायवीय शाखाओं पर अनेक अपस्थानिक ब्रांचेस पाई जाती थी, मतलब एडवेंटिटस ब्रांचेस। ये शाखाएं पत्तियां नहीं थी, ऐसा अनुमान है कि इनके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता था। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हमने क्या जाना, जो राइनिया मेजर है, राइनिया गोने ऑर्गनाइज से कितना 10 से 20 मिलीमीटर लंबा था। ठीक है, दूसरा इनके जो राइजोम पर ही राइजोइड्स पाए जाते थे और इनमें जो रूट रहती थी वो क्या है, अनुपस्थित होती थी। राइजोम से ही सीधी डाइकोटोमसली ब्रांचेज निकलती थी और ये ब्रांचेज जो है तो एरियल ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती थी। ठीक है, जो एरियल ब्रांचेस थी इन्हीं के ऊपर स्पोरेंजिया पाए जाते थे जिनकी चौड़ाई 4 मिलीमीटर तथा लंबाई 12 मिलीमीटर के लगभग थी। उन्होंने कहा जो ये जो डाइकोटोमस की ब्रांचेस निकल रही है इनकी लंबाई कितनी थी, 1 से 3 मिलीमीटर। ठीक है, ये जो डाइकोटोमस की ब्रांचेस से ही क्या निकलती थी, एडवेंटिटस ब्रांचेस निकलती थी। पत्तियों का इनमें अभाव होता था और ये ब्रांचेस ही क्या करती थी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती थी, जो अपना भोजन स्वयं बनाती थी। उन्होंने कहा पत्तियां एब्सेंट रहती थी, तो ऐसा अनुमान है कि इनमें कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता था, वेजिटेटिव गायक प्रवर्धन जो है इनमें पाया जाता था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता था। अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो डाइकोटोमसली ब्रांचेस निकलती हैं उनकी लंबाई कितनी होती थी लगभग, 1 से लेकर 50 मैंने बताया था। नेक्स्ट वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे, मुझे मतलब मैंने सारा कुछ मैंने पढ़ाया तो मुझे लगता है आप उनके आंसर देने में समर्थ हैं। ठीक, समझ में तो आ ही गया होगा। जो भी इससे और क्वेश्चन बनेंगे वो हमारी जब नेक्स्ट क्लास रहेगी किसकी, एमसीक्यूज की, इससे रिलेटेड, तो उसमें हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आज की क्लास में इतना ही।